कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे जी। अपने प्लांट्स से इस तरह की हेल्दी फ्लावरिंग और ज़बरदस्त किस्म की हैवी फ्रूटिंग हासिल करने के लिए मैं अपने प्लांट पर एक ज़बरदस्त सा फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। वो फर्टिलाइज़र मैं आज आपसे शेयर करूँगी और मैं आपको बताऊंगी कि वो फर्टिलाइज़र मैं कैसे बनाती हूँ जिससे मुझे इस तरह की अमेजिंग फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हासिल होती है। ये देखें जी, ये है एग शेल। एग शेल और ड्राई की हुई चाय की पत्ती जो यूज होती है, और इसके अलावा इसमें कुछ केले के छिलके हैं और इनको मैंने बहुत अच्छे से ड्राई किया। ये देखिए इनकी क्रंच से आपको आवाज़ आ रही होगी। बहुत अच्छे से ड्राई किया और यहाँ भी देखें, यहाँ भी मैंने बहुत सारे ये छिलके अंडे के और साथ में आलू के छिलके भी हैं और चाय की बहुत सारी पत्ती भी है। इन सब चीज़ों को मैंने ड्राई किया है, बहुत अच्छा ये ड्राई हो चुका है। अब मैंने इससे कंपोस्ट बनानी है, लेकिन ऐसी हालत में अगर डालूंगी ना तो ये इसे गलते गलते महीनों लगेंगे। तो मैं इसको क्या करने जा रही हूँ कि मैं इसे ग्राइंड करने जा रही हूँ। बिल्कुल ग्राइंडर में पीस कर बिल्कुल बारीक सा मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी और उसे मैं अपने प्लांट में यूज़ करूँगी। ये देखें कि मैंने एग शेल को ग्राइंड कर लिया। इसमें एग शेल भी है ड्राई हुए में, चाय की पत्ती भी है यूज पत्ती, इसके अलावा इसमें आलू के छिलके भी हैं, बनाना पीस के को भी मैंने ड्राई करके रखा था। इन सब का ये बेहतरीन बूस्टर किस्म का फर्टिलाइज़र तैयार हुआ है। समझ लें कि हमारे प्लांट के लिए एक एनर्जी बूस्टर तैयार हो गया। अभी हमने इस एनर्जी बूस्टर का यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। ये हमने अपने मनी प्लांट के प्लांट को देना है, इसके अलावा तमाम फ्रूटिंग और फ्लावरिंग प्लांट को, और मैं ये कोशिश करूंगी कि मैं अपने सारे प्लांट को ये दूँ सोए सैकुलेंट के, क्योंकि ये ज़बरदस्त सा बूस्टर एनर्जी वाला हम फर्टिलाइज़र तैयार हुआ है जिसमें हर चीज़ मौजूद है। ये देखें, ये मेरी माशाल्लाह मनी प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। आप देखें कितना ज़बरदस्त ये यहाँ पर ग्रो कर रहा है और ज़बरदस्त किस्म की इसकी ग्रोथ हो रही है। और ये ग्रोथ इसी वजह से है कि मैं माशाल्लाह इसमें ये वाला फर्टिलाइज़र यूज़ करती रहती हूँ। और ये देखें कि मैं इसे कैसे यूज़ करूँगी। अभी ये जो ये फर्टिलाइज़र है इसमें से मैं तकरीबन 2 चम्मच इसमें डालूँगी इस गमले में, और आप देखिएगा कि जड़ों के बिल्कुल साथ साथ नहीं डालना, थोड़ा सा। अब हम इस फर्टिलाइज़र का ये 2 चम्मच लेंगे और हम अपने इन प्लांट्स में ये दे देंगे अच्छे से, ताकि प्लांट की अच्छी सी ग्रोथ हो और जैसी ग्रोथ पहले चल रही है उससे भी बेस्ट हो, और गुड़ाई करके इसे अच्छी तरह इसमें हम शामिल कर लेंगे। यहाँ देखें इस मनी प्लांट की ग्रोथ भी कितनी अच्छी अमेजिंग किस्म की ग्रोथ हो रही है, और बड़े बड़े से इसके लीव्स हैं, और ये इसी वजह से है कि मैं ये फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर भी ये 2 फर्टिलाइज़र के स्पून यहाँ पर डाल दूँगी। ये एग शेल, इसके अलावा ड्राई चाय की पत्ती, और इसके अलावा इसमें बनाना पील फर्टिलाइज़र भी शामिल है ड्राई हुआ हुआ, और आलू के छिलके भी। तो ये अच्छे से हम यहाँ जज़ब कर लेंगे। ये देखें, ये मेरा ज़बरदस्त सा रोज़ प्लांट है और इस पर इतनी हैवी फ्लावरिंग हो रही है। आप देखें किस कदर खूबसूरत
शॉकिंग पिंक कलर के फ्लावर खिले और किस कदर हैवी फ्लावरिंग हो रही है। तो अभी इसमें मैं और भी डाल दूंगी क्योंकि मैं इसमें डालती रहती हूँ। तो ये देखें कि मैं इसमें 2 स्पून डाल के इसकी गुड़ाई कर दूंगी। मेरे तमाम गमलों की मिट्टी नरम ही होती है, कभी भी सख्त नहीं हुई। तो इसमें भी मैंने यहाँ पर 2 स्पून डाल दिए ताकि ये फ्लावरिंग जैसी हो रही है ऐसी ये कायम रहे। ये मेरा रोज़ का बेहतरीन से कलर का येलो ऑरेंज से कलर का फ्लावरिंग प्लांट है और इस पर ये जो भर भर कर फ्लावरिंग हो रही है ना, तो ये इसी फर्टिलाइज़र का कमाल है। आज फिर मैं डाल दूँगी, 1 महीना पहले डाला था तो ये रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो अभी मैं इसे इसकी रूट्स में के करीब, बिल्कुल रूट्स के साथ नहीं डालूँगी, इनके से यहाँ से ये डाल दूँगी और मिट्टी को यकजा कर लूँगी। 2 चम्मच डाले हैं मैंने, 2 चम्मच बहुत है। मेरे इस मनी प्लांट को भी आप देखें, इसकी ग्रोथ भी कितनी अमेजिंग है और नई नई ब्रांचें, नई नई शूट्स निकल रही है और उसकी वजह भी ये फर्टिलाइज़र है जो मैं अब यूज़ करने जा रही हूँ। इसकी जड़ों के पास भी मैं ये, जड़ों के साथ नहीं, थोड़े से फासले पर मैं ये फर्टिलाइज़र यूज़ कर लूँगी और इसे मिक्स कर लूँगी अच्छे से। ये देखिए मेरी गोल्ड पर कितनी अच्छी हैवी फ्लावरिंग हो रही है और ये हैवी फ्लावरिंग भी इसी फर्टिलाइज़र की वजह से है। तो मैं ये फर्टिलाइज़र फिर इसमें यूज़ कर लूँगी इसकी रूट्स में, क्योंकि अब तो पौधा इतना घना हो चुका है कि यहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। तो इसमें भी मैंने ये फर्टिलाइज़र यूज़ कर लिया है, देख लें ऐसी फ्लावरिंग के लिए। इसी तरह मैं अपने और मनी प्लांट के जो प्लांट हैं उनमें भी यूज़ कर लूँगी, देख लें ग्रोथ कैसी हो रही है। माशाल्लाह से ये अमेजिंग ग्रोथ मेरे प्लांट्स की फर्टिलाइज़र की वजह से है और आप देखें कि कितना ज़बरदस्त बूस्टर है ये। और ये मैं इसमें भी ये यूज़ कर लूँगी, यही वाला फर्टिलाइज़र। ये बेल ज़रा बड़ी है तो इसमें 3 चम्मच डाले हैं मैंने, अच्छे से इसे जज़ब कर लूँगी। एक्स्ट्रा लीव यहाँ से हटा दूँगी। इस फ्लावरिंग प्लांट पर जो ज़बरदस्त किस्म की फ्लावरिंग दे रहा है, इस पर भी मैं फिर से 1 माह के बाद ये यूज़ कर रही हूँ। और इस तरह मैं अपने तमाम जो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग और मनी प्लांट है उन सब पे ये वाला फर्टिलाइज़र यूज़ करूँगी। कैसा लगा जी आपको मेरे गार्डन में ये फर्टिलाइज़र का ज़बरदस्त सा यूज़ और इस तरह की अमेजिंग फ्लावरिंग? अगर आपको मेरे प्लांट्स पर इस फर्टिलाइज़र के यूज़ के रिज़ल्ट पसंद आए हों तो काइंडली इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये फर्टिलाइज़र का देने का तरीका कैसा लगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।